हाय एवरीवन, दिस इज एंकर विक्रम। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जाने टीवी के। और आज हम बहुत ही खास मेहमान के साथ जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर आकांक्षा निगम, जो कि MD MBBS डिबेटर सोशल वर्कर है और बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में प्राप्त किए हैं, राइट। तो आइए मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जाने टीवी में। थैंक यू सो मच विक्रम जी, एंड थैंक यू सो मच अनजाने टीवी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जिससे कि मैं आप सब लोगों के सामने आऊं, अपने व्यूअर्स को कुछ बता पाऊं। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो सेशन है बहुत ही खास है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे सेशन हुए हैं वो या तो किसी मॉडल के साथ हुए हैं या तो किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ हुए हैं, बट आज का जो सेशन है एक बहुत ही, कहते हैं डॉक्टर्स है, अगर मैं उनकी बात करूँ डॉक्टर्स की लाइफ की, तो बहुत ही टफ होती है। टाइम बड़ा मैम जान सकते हो बहुत कम होता है आपके पास, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, एंड बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ वुमेन, एक औरत के साथ, एक औरत का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली भी होती है। हम अपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना ही अपने काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। एंड मैं आई एम अ मदर ऑफ टू किड्स, तो मुझे हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, साथ ही साथ पेशेंट्स की लाइफ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो बट ठीक है, हम हर एक चीज़ को सेग्रीगेट करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले अब कुछ बात जानते हैं, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे कि और भी कोई प्लान था आपका इसके अलावा? मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। आई हैव बीन ग्रोन अप टू बिकम अ डॉक्टर, एंड माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ रियल इंस्पिरेशन फॉर मी टू बिकम अ डॉक्टर। एंड समहाउ मैं बचपन से गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, एंड सो मैं आज आप सबके सामने एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, जो आपने बहुत ही मतलब इत्मीनान से बताया। आइए व्यूअर्स, अब जानते हैं जो डॉक्टर आकांक्षा निगम है उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई मैम, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपके बारे में। मैं कानपुर की पली बड़ी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी कानपुर से ही करी है। फिर ग्रेजुएशन MBBS मैंने बेलगाम से किया है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बड़ौदा से की है। उसके बाद हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए बिकॉज आई एम मैरिड हियर, एंड देन आई हैव वर्क्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़। वहाँ बहुत 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 कुछ सीखा, हर टाइप के पेशेंट्स के साथ डील करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, हर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज करना, सर्जरीज करना, और फिर अब तो आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। मैम एक चीज़ मैंने खुद भी देखी है कि जो डॉक्टर्स की लाइफ है ना उसमें सेक्रीफाइस बढ़ा रहता है, और बहुत मुश्किल होता हुआ कि आप अपने फैमिली को भी टाइम दे पाते हो, कभी कभी ऐसा भी होता हुआ? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मूवी का प्लान होता है और बच्चे रेडी हैं, मम्मा आ रही है, मूवी चलना है, एंड इमरजेंसी आ रही है, तो ठीक है, बट बच्चे भी अब अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, ठीक है मम्मा आपकी प्रायोरिटी इस वक्त इमरजेंसी है। एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है, मी बीइंग ब्रॉट अप इन अ डॉक्टर्स फैमिली, एंड मेरे बच्चे भी अब समझ जाते हैं कि नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप जाओ, आपको वहाँ पर कोई पेशेंट होगा जो इम्पोर्टेंट है उस वक्त। सो बच्चे भी समझ, बिल्कुल सही बोली आपने बात ना, कि हाँ एक सेक्रीफाइस जो है, मतलब जो पेरेंटिंग आपकी होगी वो भी सीख पाएंगे कि हाँ यार हमने सेक्रीफाइस किया है, वो आगे भी जनरेशन को पास होना हो। तो एक और चीज़ बताऊँ व्यूअर्स, अभी रिसेंटली मैम ने बहुत ही बड़ा टाइटल जीता है मिसेज इंडिया 2022, विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय MS एनेडमेंट, और देख सकते हो मैम के सिर पर बड़ा ही प्यारा क्राउन और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मैम, राइट। तो मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका उस शो के अंदर? थैंक यू सो मच विक्रम जी, एंड इट बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड अटैचिंग माई सेल्फ विद MS एंटरटेनमेंट एंड मीत जी हैव गिवन मी सच अ बिग प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन फुलफिल माई पैशन एज अ मॉडलिंग एज अ हॉबी। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग करना एक, हमें वी शुड लुक ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, ये एज अ डॉक्टर एंड एज अ मॉडल मेरे को ऐसा लगता है। मॉडलिंग में क्या होता है कि हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वी हैव टू मेंटेन आवर सेल्फ, एंड इट हैज़ रियली गिवन मी सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच MS एंटरटेनमेंट। क्या बात है मैम, ग्रेट 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 मैम, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ ये इसके साथ ही साथ आई हैव अटैच माई सेल्फ विद भारत विकास परिषद, एंड इन सब के साथ मैं काफ़ी स्कूल्स में जाती हूँ टू गिव एंड टेक अ गेस्ट लेक्चर इन एडोलेसेंस, स्प्रेड अवेयरनेस एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दीज यंग किड्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैम बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और बहुत सारे डॉक्टर्स मिले हैं बट द लेवल ऑफ यू नो आपका जो विजुलाइजेशन है अपने नेशन। अच्छा मैम एक सवाल आपसे एक और पूछना चाहूँगा मैं,
लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं और बहुत सारी ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पे आप फेल होंगे, तो उस टाइम पे आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था आपकी फैमिली में? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली। बचपन से लेकर आज तक मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि कोशिश करते रहो, हार जीत तो बात की बात है, तो हम हमेशा सिर्फ मेहनत करते रहे, बाद में तो गॉड ऑलवेज हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। हमारा यही मानना है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और सब कुछ किस्मत पे छोड़ देंगे तो कभी नहीं होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा हमें सिखाया कि अगर गिरे हो तो उठो, जो उठता है, जो गिरता है वही उठ पाता है। एंड मेरे फैमिली, पूरी माय होल फैमिली। मैम बहुत ज़रूरी होता है फैमिली का सपोर्ट करना, क्योंकि जिस प्रोफेशन में है वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है खाना भी बनाना है, हर चीज़ आपको देखनी है ना, फैमिली देखनी है, बच्चे देखने। आफ्टर मैरिज माई हस्बैंड हैज़ बिकम पिलर एंड माई बैकबोन। तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम पीजी कर रहे थे, बिकॉज दैट टाइम पे उन्होंने पूरा हमारा घर संभाला मेरा, लिटरली मेरे बच्चों को भी देखना, क्योंकि हम दोनों ने ही काम करना है, दोनों ने ही सब कुछ ही कुछ करना है, पूरा घर संभाला, बच्चों को देखना। एंड ही वॉज रियल स्ट्रेंथ, ही वॉज माई स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन फॉर मी कमिंग फॉर मिसेज इंडिया एंड showing myself as Mrs. India and mother. Great fam, that's superb, amazing. आपने जो बताया बहुत ही अच्छी जर्नी है आपकी, और बहुत सारे मैं समझ सकता हूँ कि संघर्ष आपकी लाइफ में होंगे, बट आपने उसको फेस किया। हाँ, प्लस मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया हर एक फेज ऑफ लाइफ में, फ्रॉम कॉलेज टू मतलब पढ़ाई करके, काम करके, बच्चों ने बहुत साथ दिया। एंड मेरे इलॉज मेरे बहुत सपोर्टिव है, सो आई गॉट ऑल द फैमिली सपोर्ट फ्रॉम सब तरीके से। अच्छा, मैं एक सवाल थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। आप इतने सुंदर हैं, कई बार कॉलेज में कुछ ऐसा हो जिन्होंने आपको तंग किया हो क्लास में? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को कॉलेज में ही मिली थी तो किसी के पास ऑप्शन नहीं था, वो सारे ऑप्शंस बंद हो गए। अच्छा, मतलब हस्बैंड आपको कॉलेज में मिले आपके? क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने सारे ऑप्शंस बंद करवा दिए कि प्लीज अब तो ये बुक्ड हो गए हैं। मतलब आपने सरेंडर कर दिया उनको उस दिन ही? हो गया। चलो, दैट्स इट आपकी तरफ से व्यूअर्स के लिए, हमारे जो अनजाने के व्यूअर्स हैं उनके लिए। सारे व्यूअर्स को मैं इतना ही कहूँगी कि सक्सेसफुल पर्सन इज वेन योर सिग्नेचर्स बिकम अ ऑटोग्राफ, सो ट्राई टू रीच टू दैट लेवल। एंड स्पेशली फॉर द वुमेन आर द एपिटोम, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर ब्रेव एंड दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। सो सारे यूथ स्पेशली वुमेन से यही रिक्वेस्ट है कि वो ये सोचे कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड I thank God for everything. मैं कुछ एक शायरी आपके लिए बोल रहा हूँ, और जितने भी महिलाएं इसको देख रही हैं वीडियो को, कहते हैं घर की बड़ी है शान बेटी से, घर की बड़ी है शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, घर की बड़ी है शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं कि सिर्फ बेटों से ही नाम रोशन हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ बेटों से ही नाम रोशन हो, क्योंकि मिला नबी को नाम बेटी से, क्योंकि एक मोहम्मद साहब है उनको भी पैदा करने वाली एक माँ है। तो वुमेन्स का बड़ा अच्छा रोल है मेरी लाइफ में, और वी ऑल आर इनकम्प्लीट विदाउट आर मदर्स, विदाउट आर सिस्टर्स एंड विदाउट आर वाइफ्स, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। एंड ऑडियंस, ऐसे कॉन्टेंट के लिए जरूर फॉलो करें अनजाने टीवी, राइट? एंड इस तरह से हम मिलते रहेंगे आपको, एंड स्टे ट्यून्ड एंड पीस स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।